नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। सूरत के बाद अब मध्य प्रदेश की इन दो सीटों पर कांग्रेस का पत्ता साफ। जानिए क्यों खुश हो रहे हैं भाजपाई। लोकसभा चुनाव 2024 के दो चरण में मतदान हो चुका है, अभी पांच चरणों में चुनाव बाकी है। इससे पहले भाजपा बिना वोटिंग के लोकसभा सीट जीत गई और दो पर कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया है। जानिए वे कौन सी लोकसभा सीटें हैं जिन पर अब कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में नहीं है, जिसे लेकर भाजपाई खासा खुश है। मध्य प्रदेश की इंदौर व खजुराहो सीट पर भी कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया है। इससे पहले सूरत में भी ऐसा ही हुआ था, जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी को विजेता घोषित कर दिया गया था। हालांकि वोटिंग से पहले कोई प्रत्याशी जीत जाए, लेकिन लोकसभा 2024 के चुनाव में दो चरण का ही मतदान हुआ है और तीन सीटें ऐसी हैं जिन पर भाजपा की जीत का रास्ता साफ माना जा रहा है। मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट पर नाम वापस लेने के आखिरी दिन कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नाम वापस ले लिया है। इसके बाद अक्षय कांति बम भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस को दूसरा झटका तब लगा जब मोती सिंह पटेल का नामांकन निरस्त हो गया। दरअसल मोती सिंह पटेल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया था। बम मोती सिंह पटेल का समर्थन करने का विचार ही कर रही थी, तभी उनका भी पर्चा खारिज होने की खबर आ गई। इस तरह भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी के सामने अब इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है। बता दें कि इंदौर में चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होना है। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव सबसे पहले सूरत लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल ने निर्विरोध जीत दर्ज की। दरअसल इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का फॉर्म रद्द हो गया। इसके बाद बाकी निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नाम वापस ले लिया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।